हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 36 इंच की चेस्ट के लिए विदाउट क्रॉस पट्टी के प्रिंस कट की कटिंग करने वाले हैं। तो 36 इंच का हम चौथा भाग लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 9 इंच। 9 इंच में हम एक्स्ट्रा 2 इंच मिला लेंगे, तो यहाँ पर होता है 11 इंच। तो मैं 11 इंच यहाँ पर गिन लेती हूँ। आप 1.5 इंच भी एक्स्ट्रा मिला सकते हैं और 2 इंच में, तो मैं यहाँ पर 2 इंच मिला रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 11 इंच नाप लिया है बिल्कुल। ये पेपर मैंने डबल रखा है क्योंकि हमारे दोनों भी फ्रंट और बैक पार्ट इसमें निकल जाएंगे, इसलिए मैंने पेपर को डबल रखा है। अब हम इसकी हाइट नापते हैं। तो इसकी हाइट मैंने रखी है 15 इंच। फिर से यहाँ से हम इसे 11 इंच नाप लेते हैं। अब हम स्क्वायर को पूरा कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने स्क्वायर को बिल्कुल पूरा कर लिया है। अब हम आगे का गला नापते हैं। आप 2.5 इंच भी रख सकते हो, 3 इंच भी रख सकते हो। मैं यहाँ पर 2.5 इंच रखती हूँ। यहाँ पर 3 इंच शोल्डर पट्टी रखती हूँ मैं। यहाँ पर मैंने गिन लिया 6 इंच। यहाँ से भी नीचे आगे का गला गिनते हैं 6 इंच। अब स्क्वायर को भी हम दोनों पूरा कर लेते हैं। हमने ये दोनों भी स्क्वायर को पूरा कर लिया है। अब हम इसे यहाँ पर 1 इंच अंदर लेकर गले की मार्किंग करते हैं और यहाँ पर हम अंदर 1.5 इंच लेंगे पहले, उसके बाद हम 1 इंच लेंगे। इस तरह से दोनों मार्किंग कर लेंगे। अब ये बिना क्रॉस पट्टी का ब्लाउज़ है, तो हम यहाँ से इसे 3 इंच अंदर गिनने वाले हैं, बिल्कुल नीचे की साइड से। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर मार्किंग की है, तो आप यहाँ पर 3 इंच अंदर गिन लेना। और यहाँ से ऊपर हमें गिनना है 5 इंच। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर 5 इंच गिन लिया है ऊपर की ओर। यहाँ से हम ये सीधी लकीर लगा लेंगे। यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर मार्किंग करनी है। सबसे पहले हम शोल्डर को इस तरह से आकार देंगे। फिर हम ये दूसरी साइड में भी आकार दे देंगे। आगे के गले को भी थोड़ा गोल शेप देंगे। और हमने यहाँ जो मार्किंग की है, तो अब हमें यहाँ से इस तरह से इसकी कटोरी बनानी है। तो ये देखो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये कटोरी बनाई है। हमें इस तरह से कटोरी बना लेनी है। ये हो गई हमारी मार्किंग। अब हम इसे कट करते हैं। हमें बैक साइड को अलग निकालना है, तो हम सबसे पहले इसका जो फ्रंट वाला साइड है इसको कट करते हैं और बैक साइड को हम निकाल लेंगे साइड में। तो सबसे पहले हम ये हमारी बैक साइड है, हमने इसको अलग निकाल लिया है बिल्कुल। अब हम फ्रंट का भाग कट करते हैं।
यहाँ से हमें बिल्कुल सीधा रखना है और फिर यहाँ से ये तिरछा करना है। तो ये देखो फ्रेंड, ये हो गया हमारा फ्रंट। तो हम जब भी कपड़े पर इसे काटे तो हमें आधा आधा इंच दोनों साइड से बढ़ाना है, यहाँ से यहाँ तक आधा इंच, यहाँ से यहाँ तक आधा इंच बढ़ा के इस तरह से हमें मार्किंग करनी है। तो ये हो गए हमारे फ्रंट भाग, ये हमारा बैक पार्ट है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।